आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं Vivo T2 वर्सेस Vivo T2X के बारे में, जो कि आपके दोनों के Vivo के अपकमिंग स्मार्टफोन है और बहुत ही जल्द आपके इंडिया के अंदर लॉन्च हो सकते हैं। अब पॉइंट आता है कि इन दोनों में से कौन सा फोन बेस्ट है अपनी प्राइस के अकॉर्डिंग। स्टार्टिंग करते हैं दोनों के डिस्प्ले के साथ में। तो जहां आपको Vivo के T2 में मिलती है 6.62 इंचेस की एक FHD प्लस वाली डिस्प्ले, जो कि आपकी 398 PPI पर आती है, एमोलेड पैनल है और 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट पर आता है। वहीं कंपनी आपको Vivo के T2X में ऑफर करेगी 6.58 इंचेस की एक FHD प्लस वाली डिस्प्ले, जो कि आपकी 401 PPI पर आती है, IPS LCD पैनल है और 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट पर आता है। डिस्प्ले वाइज T2 आपका मच बेटर निकल के आता है, लेकिन एक बात उससे पहले क्लियर कर दूं कि अभी कुछ स्पेक्स आपकी कंफर्म हो चुकी है और कुछ स्पेक्स अभी भी आपकी रूमर बेस है। तो ऑफ कोर्स अगर कुछ भी इनमें आपका अपडेट होता है तो वो मैं आपको कमेंट सेक्शन में पिन कर दूं, तो वहां से जाकर आप उसको चेकआउट कर सकते हो। अब जब बात आती है इनकी प्राइसिंग को लेके, तो जो आपके Vivo के T2 का प्राइस होने वाला है वो है आपका लगभग 15,000 रुपये, जहाँ कंपनी आपको ऑफर करेगी 6GB रैम और 128GB की इंटरनल मेमोरी। वहीं आपके Vivo के T2X का प्राइस होने वाला है अंडर 15,000 रुपीज, जहाँ कंपनी ऑफर करेगी 4GB रैम और 128GB की इंटरनल मेमोरी। प्राइस नो डाउट आप दोनों ही अपनी अपनी प्राइस को जस्टिफाई कर देंगे, लेकिन जब आप बात करोगे इनके कैमरे के बारे में, तो जहाँ आपको Vivo के T2 के अंदर मिलेगा 64+12+2 MP के ट्रिपल प्राइमरी कैमरा सेटअप, वहीं आपको T2X में मिलेगा 50+2 MP का डुअल प्राइमरी कैमरा सेटअप। तो कैमरे वाइज अगर आप देखोगे तो दोनों ही फोन काफी ज्यादा अच्छे हो जाते हैं। दोनों ही आपको फ्रंट में 16 MP फ्रंट कैमरा ऑफर करते हैं, लेकिन अलग अलग डिजाइन के ऊपर। जहां पे आपको T2 ऑफर करता है पंच होल डिस्प्ले, वहीं आपको T2X ऑफर करेगा वाटर ड्रॉप नॉच। तो ऑफकोर्स T2 आपका देखने में ज्यादा अच्छा लगता है कंपेयर टू T2X। जब आप बात करोगे इनकी बैटरी के बारे में, तो आपको T2 के अंदर लगभग 5000 mAh की बैटरी मिलेगी, जो कि आपकी थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती है। वहीं आपको T2X में लगभग 6000 mAh की बैटरी मिलने वाली है। एंड अब ऑफ कोर्स मैं लगभग इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बैटरी को लेकर अभी तक कोई भी कंफर्मेशन नहीं आई है। जब आप बात करोगे इनके प्रोसेसर के बारे में, तो आपको T2 ऑफर करेगा क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 695, जो कि ऑफिशियली कंफर्म हो चुका है, एक ऑक्टाकोर प्रोसेसर और 5G सपोर्ट के ऊपर आता है। वहीं आपको T2X देगा मीडियाटेक का डायमेंसिटी 700, जो कि सेम एक ऑक्टाकोर प्रोसेसर और 5G सपोर्ट के ऊपर आता है। अब बात आती है कि इन दोनों से कौन सा फोन बेस्ट है, तो बता दूं जो आपका T2 है वो आपका लगभग 15,000 रुपये में आएगा, वहीं जो T2X है वो लगभग आपका 12 से 13,000 रुपये के आसपास आएगा। तो दोनों ही फोन अपनी अपनी जगह काफी अच्छे होते हैं, अपनी प्राइस को जस्टिफाई कर देते हैं। अब डिपेंड आप पे करता है कि आपका बजट कितना है।